हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम है सुबह का 8 और आज है संडे। और इधर देखिए, मैंने आलू चढ़ा दिए हैं, एक इस कुकर में भी चढ़ा दिए हैं और आधे इस कुकर में चढ़ा दिए हैं। इधर ही रखे हुए हैं क्योंकि मुझे अब बनाने हैं आलू के पापड़, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है। आज संडे है और नेक्स्ट संडे ही होली है, आज इनकी छुट्टी है, तो इस वजह से पापड़ों का मतलब मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। ये आयान को संभाले रहेंगे तो मैं पापड़ बना लूँगी, तो बस जल्दी से आलू उबल जाए उसके बाद मैं सारे काम बाद में करूँगी, पहले पापड़ वाला काम करूँगी, क्योंकि धूप तेज़ हो जाएगी ना तो फिर बिल्कुल भी बनाने की हिम्मत नहीं होगी। और नाश्ता इसीलिए ना सुबह जल्दी निपटा दिया, सबको नाश्ता करा दिया मैंने, चाय भी उबल जाए, पापड़ों का काम निपटाऊँ उसके बाद देखूँगी। आज पापड़ों का काम निपटाऊँगी और कल सफाई का काम निपटाऊँगी। चिप्स वगैरह तो बन गए, ज़्यादा नहीं बनाने, बस 2-3 बार उबालूँगी कुकर में, उतने जितने बन जाएंगे बन जाएंगे। और अयान और ये ऊपर है, मैंने इनको बोला है कि थोड़ा सा ये छत साफ़ करके आ जाए, और अयान को भी ऊपर भेज दिया कि जब तक आलू उबलेंगे तब तक मैं थोड़ा बेड वगैरह साफ़ कर दूँ, बाकी बस पापड़ में लग जाऊँगी। इधर इतने आलू मैंने कस दिए हैं, इतने अभी कसने को रखे हैं, मतलब ये बस हल्के से ठंडे हो जाए फिर इसको मैं कसूंगी, इतने कस चुके हैं। एक कुकर ये और उबल रहा है और साथ में चढ़ाई है मैंने थोड़ी सी चाय। तो इधर सारे आलू हो गए, जितने थे सारे मैंने कस लिए हैं। अब इसमें मैं ये डालूंगी हरा धनिया, नमक और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, बस इसको अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद इसकी गोलियाँ जो हैं वो भी नीचे ही बना लूँगी, बाकी लास्ट में ऊपर जाऊँगी मैं लेके। पापड़ मैंने बना दिए हैं सारे और बुरी हालत हो गई धूप में बिल्कुल, बस लास्ट टाइम तो ऐसा लग रहा था बस जल्दी से कैसे भी बने मैं नीचे जाऊं, धूप की वजह से ना बैंड बज गई। और अब जा रही हूँ खाना बनाने, जल्दी से खाना बना दूं क्योंकि आयान भी भूखा है। बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, और आयान के लिए बनाऊंगी आलू का पराठा। आलू जब मैंने उबाले थे ना तो थोड़े ज़्यादा ही उबाल लिए थे कि अभी सब्ज़ी के लिए हो जाएंगे। Thank you.
वेरी गुड इवनिंग। तो बज चुका है शाम का 4:30 और बस 4 बजे मैं नहा के आई हूँ। मतलब दिन भर से काम में लगी 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 लगी, नहाते नहाते मुझे 4 बज गए और अभी मेरे बाल भी सूखे नहीं हैं, बाल भी गीले हैं। और बीच में पता है क्या हुआ था, मैंने खाना बनाया, सबको खाना दिया, अयान को भी खिलाया। उसके बाद अयान ने क्या किया, वो खेलने में लग गया। फिर खेलते खेलते वो पर्दे के पीछे चला गया। पर्दे के पीछे थी एक मधुमक्खी, उसने ना अयान के पैर में काट लिया। फिर उसके बाद अयान इतना रोया इतना रोया, फिर रोते 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 फिर उसको ना मतलब चैन नहीं पड़ रहा था, उस बार बार छटपटा रहा था क्योंकि मधुमक्खी काटती है तो पैर में ना सूजन आ जाती है। ये तो कहो कि उसकी सूजन नहीं आई, बिल्कुल भी सूजा नहीं है, बट हाँ उसको ना आधे घंटे तक दर्द बहुत हुआ। फिर मैंने उसको फीवर की दवा दी और सुलाया और वो अभी भी सो रहा है। वैसे मैंने उसका पैर चेक किया तो सूजन तो बिल्कुल नहीं है, अभी उठेगा तब देखती हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। बाकी वैसे तो ठीक ही लग रहा है देखने में, अगर मतलब ज़्यादा वो होता तो शायद सूज जाता, लेकिन सूजा नहीं है। तो बस अभी 4:30 बज रहा है और शाम तक हम लोगों को जाना है अयान के बड़े पापा के घर। उनका कॉल आया था तो वहाँ जाना है, तो अयान उठो के उठ जाएगा। वैसे तो ठीक है, मैंने दवा भी दे दी थी तो अयान उठ जाएगा। तो करीब 7 बजे तक हम लोग जाएंगे और अभी जा रही हूँ मैं चाय बनाने। और पता है इतनी थकान हो गई मेरी, मेरे आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा, इतनी दिन भर से मतलब मैं सुबह की उठी और लगे मैं 1 मिनट के लिए बैठी भी नहीं थी। अब कहीं जाके फ्री हुई हूँ तो बस अब जाऊँगी, थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, ऊपर पापड़ लेके आऊँगी। पापड़ मेरे अच्छे से सूख गए, मतलब पूरे सूख गए हैं, बस कल की धूप और दिखाऊँगी और पापड़ भी बिल्कुल सही से बने हैं। तो बस जा रही हूँ चाय चढ़ा दूँ, तब तक लेके आ जाऊँ ऊपर से पापड़ और देखती हूँ थोड़ी देर में अयान को भी उठाऊँगी, फिर हम लोग निकल जाएँगे रेडियो के 7 बजे तक। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस हम लोग निकल रहे हैं और अयान भी उठ गया था, उसको तैयार कर दिया है और बज गया है 7:45 क्या, 5 मिनट ही बाकी है 7 बजने में। तो चलिए मैं निकलती हूँ और आपसे ना सीधे भैया के यहाँ पहुँच के मिलती हूँ। लोगे नहीं, उठो उठो उठो, शूज़ पहन लो, शूज़ पहन लो। अयान देखो इधर, अयान आज किसने कहा था अयानू को, किसने कहा था अयानू को, चले शूज़ पहन लो, चलो अयान 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 देखो तो अयान दी क्या? No! फिर कहाँ चलोगे? घंटू दीदी। घंटू दीदी क्या चलोगे? तो चलो रेडी हो जाओ, शूज पहनो। No! फिर समझ में भी नहीं आ रहा इसको जाना कहाँ है और जाना भी है। अयान 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 उधर नहीं जाना, एक गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। पर्दे के पीछे छुप गया। थैंक यू बोला दीदी से, थैंक यू बोला।